हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो जैसे अभी एनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग को पता है, और आप लोग आई होप जो जहाँ जहाँ अलॉटमेंट हुआ होगा आप लोग वहाँ पे एडमिशन करा लिए। स्पेशली मैं अभी जीएनएम कोर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर हमारा क्या सब्जेक्ट रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, सब नया रहेगा, समझ में क्या आएगा, हम लोग को आइडिया कुछ भी नहीं रहता। तो आप लोग सोचते हो कहीं से कुछ पता चले कि क्या पढ़ाई होता है तो आप लोग को हेल्प मिल जाए। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि जीएनएम कोर्स के फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिलेबस रहता है, और फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस का मोटिव क्या रहता है, ये सारा कुछ। देखिए, स्पेशली अगर हम बीजीएस के बारे में बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट एक याद रखिएगा, क्लिनिकल ड्यूटी पढ़ने से पहले आपका पहले हॉस्पिटल ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। तो ये सब तो बात की बात है, पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपका जीएनएम कोर्स में फर्स्ट ईयर में सबसे पहले जो कि सबसे बेस होता है नर्सिंग का, वो सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, उस सब्जेक्ट का नाम होता है फंडामेंटल, जो कि इसका दो पार्ट में डिवाइडेड है बुक, फंडामेंटल वन एंड फंडामेंटल टू। तो फंडामेंटल वन में आपका क्या पढ़ाया होगा, इसमें सारा प्रोसीजर के बारे में, मतलब जो बेसिक प्रोसीजर होता है वो सब कुछ आपको इसमें ही पढ़ाया होगा, जैसे कि हो गया बेड मेकिंग, पेशेंट के पोजीशंस के बारे में, फिर जो बेड है वो कितने टाइप के होते हैं, इसका इसमें ही आईएम इंजेक्शन, कैथेटराइजेशन, ये सारा कुछ आपको इसी में, कि ड्रग्स का एडमिनिस्टर कैसे करना है, मतलब देना कैसे है, ओरली आईवी सबक्यूटनेस, ये सारा कुछ आपको फर्स्ट ईयर का फंडामेंटल बुक में पढ़ाई होगा, ठीक है। इसका फंडामेंटल टू बुक आता है, उसमें आपका क्या होगा, तो इसमें भी प्रोसीजर पढ़ाया होगा, जैसे कि इंडोस्कोपी हो गया, क्लोनोस्कोपी हो गया, इंस्पिरेशन हो गया, ये सारा कुछ आपका फंडामेंटल टू। इसीलिए इसको बोला जाता है कि हमारा जो नर्सिंग कोर्स का जो बेस होता है वो फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है, और इस बुक को बहुत ही अच्छे से हम लोग को पढ़ना रहता है। चलिए अब दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बात करते हैं। तो दूसरा सब्जेक्ट में आपका आ जाता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब होता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हम अपना जो बॉडी का एनाटॉमी, मतलब अपना बॉडी के स्ट्रक्चर, जो अंदर हमारे ऑर्गन्स रहते हैं उसके फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एंड सारा कुछ उसके बारे में, कितना वेट होता है, कितना साइज होता है, और उसके फंक्शंस क्या होते हैं सारे ऑर्गन्स के। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा सोशियोलॉजी, क्योंकि हम लोग एक नर्स है तो हम लोग को सोसाइटी को जानने का, सोशलाइजेशन के बारे में जानने का नॉलेज होना चाहिए। ये नॉलेज बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सोशली मतलब बोला जाए तो कॉन्टैक्ट में रहते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा उसमें रोल होता है, इसलिए इसमें सोशलाइजेशन के बारे में भी पढ़ाया जाता है कि सोसाइटी से हमें डील कैसे करना है, ये सारा कुछ। इसके बाद आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात, साइकोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा जो हमारा बेसिक नीड्स होता है, जैसे कि हायरार्की नीड्स, ये सारा कुछ आपको उसमें डिटेल्स में देखने को मिलेगा, एंड बहुत सारा और सारा लॉज वगैरह रहता है तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा एंड बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं कि फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड बुक, फर्स्ट एड के नाम से ही आपको पता चल गया हो कि फर्स्ट एड मतलब होता है कि हमारा जो, अगर बोला जाए कि हम जो फर्स्ट ट्रीटमेंट देते हैं उसको फर्स्ट एड बोला जाता है। तो फर्स्ट एड के अंदर में आपको पहले तो फर्स्ट एड के बारे में ही बताया जाए कि आखिर फर्स्ट एड होता क्या है। इसमें आप फ्रैक्चर्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, बोन्स के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद आपका इसके अंदर सब्जेक्ट हो जाएगा बाइट, स्नेक बाइट्स, डॉग बाइट्स, ये सारा कुछ का बहुत सारा और भी रहेगा, सारा डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा कि इसका क्लिनिकल साइन क्या होता है, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट, हमारा नर्सिंग रोल क्या होता है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये सारा कुछ आपको फर्स्ट एड में पढ़ने को मिलेगा। अब दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का बुक तो बहुत ही पतला रहेगा, लेकिन इसमें आपको क्या पढ़ाई होगा कि हमारा जो प्रोसीजर होता है वो एस्टरलाइजेशन बेस होना चाहिए। इसमें सबसे मेन पॉइंट अगर पढ़ाया जाएगा आपको माइक्रोबायोलॉजी में, तो एस्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया जाएगा, ये सारा कुछ इसमें, इस बुक के अंदर। ये छोटा सा बुक होता है लेकिन बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बात करें तो आपका कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ वन आपका
फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होगा तो कम्युनिटी का मतलब ही समझ गए होगा, मतलब समाज जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ना जैसे PHC होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, कम्युनिटी हेल्थ CHO होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो हम लोग बोला जाता है ना, एक पोस्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, उसके अंदर बहुत सारा जैसे आंगनबाड़ी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में पढ़ाया जाएगा, सब सेंटर के बारे में पढ़ाया जाएगा। एंड इसमें ना आपको डिजीज जो एपिडेमियोलॉजी सब ये सारा डिजीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। एंड जितने भी जैसे होते हैं ना बीमारी, मलेरिया, फलेरिया, ये सारा आपको कम्युनिटी बुक के अंदर देखने को मिलेगा। एक सब्जेक्ट के और लास्ट सब्जेक्ट की तरफ जो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा, न्यूट्रिशंस के बारे में। मतलब न्यूट्रिशंस का नाम ही सुन के पता चल गया होगा कि इसमें सारा न्यूट्रिएंट्स के बारे में, मतलब आपको एक डाइट फ्लो चार्ट, ये सारा कुछ डाइट के बारे में और क्या डिफिशेंसी से क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारा कुछ आपको न्यूट्रिशंस के बुक में पढ़ने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड जो डर लग रहा होगा या छोटा जो डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे कि आखिर GNM के फर्स्ट ईयर में क्या सिलेबस रहेगा, क्या पढ़ाई होगा और ये सारा कुछ इंग्लिश से पढ़ाई होगा। आई नो कि हो सकता है आप लोग 12th हिंदी मीडियम से करके आए होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा फर्स्ट ईयर में, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा, लेकिन आप कर लोगे। इसलिए ये नहीं डरना है कि इंग्लिश से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।